अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शेस। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला और मसाला वेजिटेबल राइस। वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें आप जो चिकन जितना बनाना है उस हिसाब से ले लें। ये तकरीबन 2 kg चिकन है और इसमें थोड़ा सा ऑयल, 1 कप मैंने ऑयल डाला है और चिकन डाल दिए इसमें। अभी कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की, सिर्फ इसको अभी हमने फ्राई करना है। इस थोड़े से ऑयल में डाम के रख देंगे और जब थोड़ा सा पानी, ये चिकन अपने ऑयल के साथ ही पानी थोड़ा छोड़ देगा। और ये मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक की पेस्ट और ये नमक डाल दी है और इसको दोबारा से मिक्स कर दिया। हमने इसको इस ऑयल में इतना फ्राई करना है कि इसमें ऊपर जो रेड रेड दिखी चिकन के ऊपर फ्राई होने की वजह से ये सुरख हो गया। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया था और ये तकरीबन 1/2 kg टमाटर है, उनका छिलका उतार के मैंने उसकी अच्छे से पेस्ट बना लिया। ये हल्दी डाल दी है और मिर्च, ये कुटी हुई मिर्च है वो डाल दी है और चिकन। और मेरे ख्याल से कोई भी डिश हो, चाहे चिकन है, चाहे मटन है, बीफ है, कीमा है, इसको बनाने के तकरीबन काफ़ी डिफरेंट से तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपसे जितने भी चिकन की रेसिपी शेयर किया है वो तकरीबन हर तरह से डिफरेंट ही मैंने बनाई है। और अब इसमें मैंने 1 कप तकरीबन पानी का ऐड कर दिया था और ये उसी में दम में रख के मैंने इसको भून लिया। ये मैं जल्दी जल्दी थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं थी मैं करना चाह रही। ये सिंपल चिकन था मसाले वाला, तो इसमें पानी डाल के उसको मैंने दम पे अब रख दिया था। वो जब चिकन गाल गया उसके नमक मिर्च आप चेक कर ले, तो नमक मिर्च उसकी बिल्कुल अगर अपने हिसाब से डाल दें तो बस वो चिकन रेडी है। ये बना रही हूँ मैं चिकन वेजिटेबल मसाला राइस और इसमें मैंने हल्दी डाली है और ज़रदा रंग डाला है और साथ ही मैंने मटर डाल दिए थे ताकि वो इसी में बॉयल हो जाए। जब मटर गल गए तो मैंने सिंपल इसमें राइस डाल ली है। देखिए कितने ईजी हैं जो मैंने मसाला राइस बनाया है। और ये गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च है, इसको मैंने अलहदा से हल्का सा फ्राई कर लिया था। पहले मैंने गाजर को कुक किया थोड़ा सा, तो ज़्यादा इनको कुक नहीं करना। तो इसमें शिमला मिर्च डाल दी है और हल्का से इसको बस आप मिक्स करें। टमाटर डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और जब आप चावलों को दम लगाएं तो उस पर डालिए। सोया सॉस इसमें डाल दी है। अब मैं डालूंगी इस पर टमाटर और एक टमाटर मेरा हाफ में पूरा चला गया, मैंने निकाल दिया है। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। और मेरी रेसिपी जितनी भी है वो जल्दी जल्दी बनने वाली है। ये देखिए, अब मैंने ये दम में इस पर सब्जियों को डाल दी और काली मिर्च डाल दी थी पहले से मैंने और इनको दम लगा दिया। और अब मैं आपके साथ एक ड्रिंक भी शेयर करूंगी जो आजकल के मौसम के मुनासिब से है। आजकल अनार बहुत ज़्यादा आया हुआ है और जो है ग्रे फ्रूट, उसका मैं आपको वो भी बताऊँगी, जो उसका एक ड्रिंक बनाऊँगी बड़ा मज़े का। आप भी वो भी ज़रूर ट्राई करें और ये भी देखेंगे, खा के और बना के मुझे बताएंगे कैसा लगे। तो आप मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपका दसरा हमारा दसरा वसी रहे। ये और ये देखिए कितना मज़े का। और ये जनाब हमारा अनार का और चकोतरा, जिसको ग्रेप फ्रूट जो कहते हैं, उसका जूस है। क्योंकि ये दोनों आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी है हमारी सेहत के लिए। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये अनार मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया, उसके दाने निकाल कर धो के रख लिए। और ये ग्रेप फ्रूट जो है उसका मैंने छिलका उतार दिया और उसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं, ऐसे ऐसे मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें और देखें ये कितना ज़्यादा इसमें जूस, ये रस से भरा हुआ है। इसका हम जूस निकाल देंगे। अगर तो हमने इसको सिंपल में पीना है, सिंपल में पी लें, नमक और डाल के काला नमक डाल लें। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा लगे तो इसमें आप 1 चम्मच शहद डाल लें और या 1 चम्मच चीनी डाल लें। मैं तो इसमें सिंपल जो है ना वो नमक वो डाल के पीती हूँ, वो बहुत मज़े का होता है और ये आपका हाजमा भी से ठीक रहता है और पेट के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें ये जो ग्रेप फ्रूट है इसका जूस आप ऐसे निकाल लें और जो अनार का है ना जो वो उसको हमको ब्लेंडर में जैसे शेक बनाते हैं ना वैसे पानी डाल के बनाएंगे। क्योंकि बिल्कुल ये अनार का जो हम सिखाया नहीं जाएगा, ये खट्टा है। अगर आपने ये खट्टे वाला नहीं खाना तो आप जो वाइट वाला ग्रेप्स, वो सॉरी ग्रेप्स कह रही हूँ आपको मैं, जो वाइट वाले अनार मिलते हैं वो आप लेके उसका भी निकाल सकते हैं। ये मैंने जी तकरीबन बड़े साइज़ का एक अनार था और उसमें मैंने ये 2 कप पानी के डाले हैं। इसको अच्छे से
आप इसको ग्राइंडर में डाल के कर लें, और उसके बाद इसको छालनी से छान लें और दोनों को मिक्स करके पिएं, और इसको भी इंजॉय करें, और जो मैंने चिकन मसाला बनाया और मसाला राइस बनाया उसको भी इंजॉय करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं ये आपको कैसा लगे। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। आप भी खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। और ये जूस भी आप पी के इसको भी इंजॉय करें, मुझे ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगे। तो ये बस अब हम इसको गिलासों में डाल देंगे और आपको दिखाएंगे ये, और बहुत ही मज़े का ये होता है। ये हमारी जो खून की कमी है उसको भी पूरा करता है, और आजकल के मौसम में बहुत अच्छा है। और आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप शायद डाल लें अगर आपको खट्टा लगता है, लेकिन मैं इसमें सिंपल जो काला नमक है वो डाल के पीती हूँ, और ये बहुत मज़े का है। ये देखे सारे बीज निकल गए हैं। तो डिश आउट करने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी ये कितना मज़े का लग रहा है। ये ऊपर से मैंने झाग भी उतार दी, क्योंकि ये ग्लास में जब डालें तो खूबसूरत नहीं लगती। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूंगी।